Hey ेशन तो so का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़कर आ रहे हैं जो की है कार्डियक साइकिल हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा याद करो इवेंट्स ऑफ कार्डियइकिल राइट अब हम बात करने वाले है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट की आपको पता है कार्डियक साइकिल के समय क्या होता है जो हमारा हार्ट है उससे ब्लड को पंप आउट किया जाता है और फिर हार्ट में ब्लड की फीलिंग होती है राइट एक कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 यानी कि वन वन हार्ट बीट इक्वल्स टू कार्डियक साइकिल एक बार आपका हार्ट बीट किया समझिए एक कार्डियक साइकिल पूरा हुआ ठीक है जिसका ड्यूरेशन है 0.8 पॉइंट सेकेंड अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है देखिए सुनिएगा मेरे साथ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल इन अ बीट ब्लड पंप्ड बाई वेंट्रिकल इन अ बीट एक बार आपका कार्डियइकिल एक यानी कि एक हार्ट बीट हुई कितना ब्लड ईच वेंट्रिकल से बाहर निकला उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है उसे हम क्या कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल इन अ बीट देखिए विच इज अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी एम एल ना होगा सेवेंटी एम होगा जैसे ये देखो एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारा चेंबर है यहाँ पे हार्ट का चेंबर है राइट बताइए ये क्या है राइट एट्रियम ये राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट एट्रियम ये लेफ्ट वेंट्रिकल इतना तो अभी तक आपको पता चली गया होगा राइट अब देखिए आपको पता है कार्डिक साइकिल के समय क्या हुआ राइट एट्रियम में ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है और ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड स्पीड वेल राइट अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट right वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स रहे होंगे शुरू में अभी उनमें ब्लड आया राइट जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहा हूं जॉइंट डायस्टोल के समय क्या होता है एट्रिया में ब्लड आता है राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में और फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है तो जो वेंट्रिकल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं मैंने कहा था जब रिलैक्स होगा तो उसके अंदर ब्लड जाएगा ठीक है जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर कहां से ब्लड भेजोगे तो रिलैक्स रहता है वेंट्रिकल तो उसके अंदर ब्लड आता है जब ये जो रिलैक्स स्टेट है वेंट्रिकल का खत्म होने वाला है उस टाइम तक इस वेंट्रिकल में कितना ब्लड आकर भर चुका है वो है वन ट्वेंटी एम एल इसमें वन ट्वेंटी एम एल इस राइट वेंट्रिकल में भी वन ट्वेंटी एम एल ये वन ट्वेंटी एम एल क्या है ये है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ठीक है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम देखो यहां पे लिखा होगा डायस्टोलिक वॉल्यूम ठीक है

जैसी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकला दोनों ही वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकला निकला ठीक है बाहर इन द सेंस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड था वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड था वो चला गया एओटा में राइट कितना ब्लड गया सेवेंटी एम ठीक है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में कितना ब्लड गया सेवेंटी एम और लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड एओटा में गया

बताओ समझ में आया यहाँ पे वापस से बोला स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल इन अ बीट एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड जो है वो आ, हार्ट के वेंट्रिकल से थोड़ा गला खड़ा है ठीक है सॉरी थोड़ा एक्सक्यूज करना ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन अ बीट ठीक है तो ईच वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है सेवेंटी एम एल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था कितना ब्लड शुरुआत में एट्रियम से वेंट्रिकल में आके जमा हो रहा था तो ईच वेंट्रिकल में वन ट्वेंटी एम ब्लड आके जमा हो रहा था सेवेंटी एम फिर ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से जा रहा था राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से एटा तो 120 सौ में से 70 एम चला गया तो बताओ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन के एंड में जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ और उसके एंड में एकदम कॉन्ट्रेक्शन के एंड टाइम पे कितना ब्लड वेंट्रिकल में बचा हुआ था वही है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विच इज सेवेंटी एम तो बताओ समझ में आया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है समझ में आया कुछ उतना टफ नहीं है ठीक तो है तो यह है स्ट्रोक वॉल्यूम अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की कार्डियक आउटपुट क्या है देखो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपड आउट बाई ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट यहाँ पे इन बीट की बात थी ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल इन अ बीट यानी कि एक कार्डियक साइकिल के समय कितना ब्लड ईच वेंट्रिकल से पंप्ट आउट हो रहा है तो वो है सेवेंटी एम mm. अब बात कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट की यानी कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ट आउट बाई वेंट्रिकल्स पर मिनट पर मिनट देखो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट कर दोगे तो कार्डियक आउटपुट का आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना कार्डियक आउटपुट है ठीक जैसे मैं मैं कहता हूँ क्या मेरी मेरा जो वेट है मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था तो आपको एक चीज मैं याद कराना चाहता हूँ मैंने कहा था आपके बॉडी वो वेट का सेवन टू एट परसेंट जो है वो ब्लड होता है आपके बॉडी का सेवन टू एट परसेंट अगर आप अस्सी केजी के हो तो इस अस्सी केजी का जो सेवन से एट बनता है वही आपका ब्लड का वेट है आपका जो ब्लड है वो कितना वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बॉडी वेट में तो सेवन टू एट परसेंट अगर आप अस्सी के के हो तो इसका 7 -8 जो है ब्लड है सत्तर के जी का जो सेवन टू एट परसेंट होगा सेवन टू एट परसेंट उतना ही ब्लड उसके बॉडी में उतना ही एम ब्लड उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो फाइव लीटर फाइव लीटर ऑफ ब्लड जो है वो एक हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है एक हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होता है और उतना ही ब्लड हार्ट में जाएगा और फिर हार्ट से निकलेगा तो उसी को हम कह रहे हैं कार्डियक आउटपुट ठीक है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट फॉर्मूला क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इसको अगले स्लाइड में समझते हैं हाँ तो मैंने क्या कहा कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इनटू हार्ट रेट कर दो क्योंकि हमें कार्डियक का आउटपुट हम पर मिनट देख रहे हैं पर मिनट और एक मिनट में हार्ट जो है वो कितनी बार बीट करता है एक मिनट में सेवेंटी टू सेवेंटी टू टाइम्स स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है सेवेंटी है आपको तो पता है स्ट्रोक वॉल्यूम आपने देखा था सेवनटी एम होता है और एक मिनट में आपका हार्ट कितना बार बीट करेगा सेवेंटी टू राइट तो आंसर होगा फाइव थाउजेंड फोर्टी और फाइव लीटर पर मिनट इन हेल्दी इंडिविजुअल एक हेल्दी इंडिविजुअल का कार्डियक आउटपुट कितना है लीटर इससे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नीचे आपको ही देखने को मिलेगा पर मिनट इन हेल्दी इंडिविजुअल दिस इज द कार्डियक आउटपुट ठीक है कार्डियक आउटपुट अगेन क्या था द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट पर मिनट बोला है इसीलिए अब हम हार्ट रेट को कितना रखेंगे शुरू में तो इन अ बीट बोला था यानी कि एक हार्ट बीट में ठीक है जीरो पॉइंट एट सेकेंड में ठीक है जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो सेवेंटी लेकिन अब यहाँ पे पर मिनट पूछा है तो पर मिनट हार्ट रेट कितना होता है? एक मिनट में आपका दिल कितने बार धड़कता है बताओ सेवेंटी टू टाइम सेवेंटी टू टाइम बीटिंग होती है ना हार्ट बीट होती है यानी कि सेवेंटी टू कार्डिय साइकिल होते हैं एक मिनट में ठीक है तो इसी हार्ट रेट को आप स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा सीधा सीधी याद रख लो ठीक है सीधा सीधी याद रख लो एक तो ये याद रख लो कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कार्डियक आउटपुट क्या है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है सेवेंटी एम राइट यही इंफॉर्मेशन से आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा नीट में ठीक आगे एनसीआरटी के कुछ पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करते हैं द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड देयर बाय द आउटपुट हमारे बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि सेवेंटी एम होता है और साथ ही साथ जो कि कार्डियक आउट एज वेल एज द हार्ट रेट जो हमारा हार्ट रेट है उसको क्या कर सकता है बॉडी ऑल्टर कर सकता है अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट ऑल्टर हो गया तो जाहिर सी बात है जो कार्डियक आउटपुट है वो भी ऑल्टर हो जाएगी वो भी चेंज हो जाएगी राइट अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम में कुछ और हो गया हार्ट रेट किसी पर्सन में आप देखोगे जब आप एक्सरसाइज करते हो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है सेवेंटी टू थोड़ी रहेगी बढ़ जाएगी ठीक है तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा हो सकता है आपका हार्ट रेट जो है वो कितना हो जाए से आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट हो गया तो 70 इंटू नाइनटी कर दो तो देखो खुद ब खुद कितना हो गया 6300 आपका जो कार्डियक आउटपुट था वो चेंज हो गया राइट नाइन इंटू सेवन सिक्सटी होता है ना ओके okay? चलिए तो इस तरीके से देखिए जो आउटपुट है वो ऑल्टर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन एक एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होगा ना वो ज्यादा होगा ठीक है एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी मैन क्योंकि एक एथलीट जो है जैसे हुसैन बोल्ट का एग्जाम्पल ले लो बोल्ट साहब ये खूब दौड़ते हैं. ठीक है इनकी जो हार्ट बीट होती है वो अच्छी खासी धक 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 करेगी तो इनका जो कार्डियक आउटपुट होगा वो हायर होगा ऑर्डिनरी मैन एक ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में सकते हैं ओके बिकॉज द बॉडी एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट तो आई होप आपको स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट अच्छे से समझ में आया होगा यही पे लेक्चर को करते हैं समाप्त मिलता हूँ मैं फिर आपसे बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय थैंक यू टेक केयर